नई सोच कुछ करने का मादा, आइए मिले मिस्टर मिल्क से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि भारत आत्मनिर्भर बने। यह सपना तभी साकार होगा जब युवा नौकरी करने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनेंगे। मोतिहारी के अंशु कुमार सिंह कुछ अलग करना चाहते थे, इसी के तहत उन्होंने दूध एवं जैविक सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में कदम बढ़ाया। अब ये शुद्ध दूध पैकिंग कर घर घर पहुंचा रहे हैं। इलाके के लोग इन्हें मिस्टर मिल्क के नाम से भी बुलाते हैं। मोतिहारी के नीरज सिंह ने इनसे खास बात की, आइए मिलते हैं इनसे। मिस्टर मिल्क के नाम से आप प्रोडक्ट चला रहे हैं? मिस्टर मिल्क एंड मिस्टर वेज दो प्रोडक्ट लॉन्च। वेज माने क्या उद्देश्य है इसका और आत्मनिर्भरता के तरफ आप बढ़ रहे? अभी जॉब कर रहे थे बहुत सारा। कौन कंपनी में? कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। मैनेजर थे वहाँ दिल्ली में, जीएम सेल्स एंड मार्केटिंग। तो कोरोना के दौरान माने आप घर लौट गए, उसके बाद से अपना आपको लगा कि नहीं ये भी आत्मनिर्भरता के तरफ बढ़ना चाहिए। कब तक जॉब करेंगे? गवर्नमेंट प्रॉब्लम में है, जॉब इतना है नहीं, तो हमने सोचा कुछ इनिशिएट करते हैं ताकि अपना अर्निंग भी इस्टेब्लिश करें और अपने लोगों का भी अर्निंग इस्टेब्लिश करें। गांव में बेरोजगारी इतना ज़्यादा है तो बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, सबकी अर्निंग इस्टेब्लिश होगा स्लो एंड स्लो एंड स्लो, तो गवर्नमेंट के ऊपर से भी रिड्यूस होगा लोड, समाज में भी लोग इस्टेब्लिश होंगे और साथ में हमारा भी ऑफकोर्स सेल्स ऑफ इनकम तो बढ़ेगा। अभी अभी जो आप मिल्क जो आम लोगों से भी खरीदते हैं और अपना आपका भी हमारा इन हाउस प्रोडक्शन भी है, अपना भी है मतलब, और आउटसोर्सिंग भी है मतलब लोगों से भी। क्या क्या माने कर रहे हैं अभी आप? अभी जैसे आउटसोर्सिंग में जितने किसान हैं उससे काउ एंड बफेलो मिल्क खरीदते हैं। अच्छा। और रॉ मिल्क शहर में सप्लाई करवाते हैं अभी मोतिहारी। 100 घरों तक आपकी माने मिल्क किचन तक जा रहा है? किचन, हाँ, बोतल के माध्यम से पैक करके एक लीटर आधा लीटर में। हाँ, एक लीटर आधा लीटर में जा रहा है। आप पनीर पनीर भी कर रहे हैं? पनीर भी अपना तैयार कर रहे हैं? पनीर भी अपना तैयार कर रहे हैं और घी भी अपना रेडी करते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ घी पनीर एंड मिल्क लोगों को। तो इसको अब लार्ज स्केल तक माने ले जाने का हमारा प्लान है कि अगले एक साल में एटलीस्ट 5000 लीटर का प्रोडक्शन करें, जिसमें से 3000 लीटर का आउटसोर्सिंग प्रोडक्शन हो और 2000 लीटर का इन हाउस प्रोडक्शन हो। तो उससे क्या है, एटलीस्ट 300 किसानों का भला होगा, उनको एस्टैब्लिशमेंट मिलेगा और साथ में मेरा अपना कंपनी का एक मिनिमम टर्नओवर 1 करोड़ का अगले एक साल में एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो इस क्षेत्र में किसानों को कम लागत में, जैसे आपने कहा है कि हम किसी कंपनी से उनको मुफ्त लोन कराएंगे? नहीं, हमारा खुद का ही प्रोजेक्ट है। स्टेप टू मिस्टर मिल्क, हाँ, स्टेप टू में जो व्हाइट ग्रीनरी हमारी कंपनी है इसका ही प्रोजेक्ट है स्टेप टू में, कि जो माइक्रो फाइनेंसिंग में जो हमारे गरीब किसान हैं जो चाहते हैं कि हम एनिमल रखें और मिल्क प्रोडक्शन करें पर उनके पास पूंजी नहीं है, तो उनको हम 50% पूंजी अपनी तरफ से देंगे और वो उसमें मिल्क प्रोडक्शन करके और मिल्क हमारे को सेल आउट करेंगे और बदले में हम उनको 50% पेमेंट अपने पेमेंट में एडजस्ट करेंगे और 50% उनके सर्वाइवल के लिए उनको देंगे। तो एटलीस्ट ये मान के चलिए कि अगर हम 30,000 रुपये किसी को देते हैं तो एक साल के अंदर वो 30,000 रुपये पूरा मिल्क से मैनेज हो जाएगा, प्लस उसका वो जो एनिमल है वो पूरी तरह उसका हो जाएगा, एक साल में उसकी पूंजी 100% उसकी। तो ये तो दूध के क्षेत्र में क्रांति वाली बात हो गई, कोशिश वही है। अब ऑर्गेनिक क्षेत्र में जो सब्जी की बात कर रहे थे और सब्जी आपने उगाया भी है? हाँ, अभी दो एकड़ में अभी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं ऑलरेडी। दो एकड़ में करेला एंड उसके बाद लौकी एंड भिंडी पालक धनिया पत्ता एंड ब्रोकली एंड कैप्सिकम शिमला मिर्च, ये 5 चीजों का प्रोडक्शन हम इस साल स्टार्ट कर इसमें रहे हैं। इसमें जब इतने लार्ज स्केल पर आप काम करेंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा? हाँ, रोजगार का सृजन होगा उसमें ऑलरेडी, बहुत सारे रोजगार स्टार्ट हो गए हैं। जैसे अभी हमारा अभी खुदाई का काम शुरू हुआ है तो उसमें ऑलरेडी हम 5 लोग पर डे काम करने वाला है अगले 2 दिन बाद, एंड ये अगले 30 दिन तक हम उनको रोजगार देंगे। 400 रुपीज का मिनिमम हम गारंटी देते हैं उनको मजदूरी का। उसके बाद पार्ट टू में क्या है, हमारा मल्टी लेयर फार्मिंग प्लान है, तो एक ज़मीन पे एक फर्स्ट लेयर में, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर में, इस तरह से प्लानिंग है। तो जितना लेयर एस्टैब्लिश होता जाएगा उतने ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी और जितना ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसका रोज़गार का अवसर बढ़ेगा उसमें।